डिस्कॉम कर्मियों ने फूका एमडी का पुतला, निजीकरण का कर रहे हैं विरोध, कई कर्मचारियों के किए गए हैं ट्रांसफर। अजमेर डिस्कॉम के कर्मचारियों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। रविवार को कर्मचारियों ने एमडी का पुतला फूंक कर रोष जताया है। निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के तहत कर्मचारी एमडी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि टाटा कंपनी के निजीकरण के तहत ठेका देने के बाद कई कर्मचारियों के नियम विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री से जो हमारी वार्ता हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये जो निजीकरण हो रहा है उसका कर्मचारी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत यहाँ के एमडी ने अपने हमारे कर्मचारी 70 कर्मचारियों को अजमेर जिले से बाहर उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद ले जाने कहाँ का इन्होंने लगाया है। तो हम ये साफ कह देना चाहते हैं ये लोकल एम्प्लॉई हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है कि आप कर्मचारी जो लोकल एम्प्लॉईज हैं उनको जिले में ही रखें, उन्होंने जिले से बाहर किया है। और वास्तविकता स्थिति यह है कि जब यहाँ पर वैकेंसीज हैं और वहाँ को तो आपने ठेके पे दे दिया, और ठेके का सीधा सा मतलब यह है कि भ्रष्टाचार, वहाँ पर कोई भी सक्रियता नहीं है। या स्थिति ये हो सकती है कभी भी अंधेरा कर सकते हो जीएसएस पे और मिली भगत करके बिजली को और नुकसान पहुँचा सकते हैं। उन ठेकेदारों को हटा करके अगर हमारे कर्मचारियों को यहाँ पर समायोजित किया जाता तो एक भी आदमी बाहर नहीं जाता। तो इन्होंने मनमानी करी है महिला मिश्री जी ने। हम इसको स्पष्ट जतन देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपने ये पावर विड्रा नहीं किए तो सारे कर्मचारी को यहाँ वापस ट्रांसफर नहीं किया तो ये लड़ाई हमारी संघर्ष चलता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि इनको आप हटाओ निगम बचेगा, इनको आप हटाओगे तो आपकी सरकार बचेगी, इनको आप हटाओगे तो जनता आपसे राजी होगी, और पूरे निजीकरण खत्म करोगे तो राजस्थान राज्य आप करेगा, अन्यथा आप अपने विपक्ष से बैठने की तैयारी कीजिए। आज क्या करा आपने? आज हमने के परिवार आए, कर्मचारियों की दुखी है, पीड़ित परिवारों के परिवार आए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उनके पति बाहर बाहर होंगे, उनके बच्चे बाहर होंगे, और ऐसी स्थिति में घर कैसे चलेगा। उन्होंने प्रताड़ना अपनी बताई है, सरकार समझे और आगे निगम समझे, और इस स्थिति को अपने आगे चल करके ये तय किया है कि अगर आप फिर भी ये नहीं मानते हैं, आज की कंडीशन में उनका दिमाग ठीक नहीं होता है, तो हमको अपनी लड़ाई को तेज करना है। आज पुतला और चूड़िया को क्या करा? पुतला और चूड़िया हमारे जो परिवार आए हुए हैं उन्होंने चूड़िया पहनाई, उनको क्या करें? ऐसे लोगों को चूड़िया पहनाने के लायक ही मर्द होकर के इस तरह से बच्चों की बचकानी हरकतें करते हैं, तो बचकानी हरकतों का उनको पूरी पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका नाम बताइए। धर्मू बारह डिस्कॉम।